तो नहीं है ना? खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे मेरी बच्ची। ओ खुदा, अरे कोई है? सलमा भाग निकली, चलो जल्दी करो, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हम उसका पीछा करेंगे। अपने दामाद को रोक ना सका, हम इसका पीछा करेंगे। चलो जल्दी चलो। इसी काबिल हो कि तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए जाएं। नाफरमान लड़की, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चुप हो जाओ। सलेमान, कहो सलेमान। चुप हो जाओ सलेमान। बहुत खूब जहाद, तुम्हारी हिकमत अमली कारगर साबित हुई। नादान आदमी, बिलाखिर बीवी और बच्चे की मोहब्बत इश्क हुसैन पर गालिब आ गई। मैं सुलेमान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ बाबा। मुझे मालूम है कि उसका बच्चा भी उसी की तरह दीवाना होगा, मगर ये कि मैं उसकी तरबियत करूँ। ताहिर की तरह या अपने दूसरे बेटों की तरह? सुना सुना आपने, भाई अगर ये मेरी बहन न होती तो। तुम्हें मालूम है आज हमारे खानदान पर यह आफत तुम्हारे शौहर ही की वजह से नाजिल हुई है। मैंने तुम्हें उस शख्स को इसलिए दिया था कि बनी उमैया का खैर हुआ और बनी हाशिम से मंसूब रहूं, लेकिन उसने तो मुझे दोनों के मद्द मुकाबिल लाकड़ा किया। लेकिन ये मुनाफ़िक़ है बाबा। यही दानाई है नाक़िसुल अक़्ल। यजीद खलीफा दुनिया है और हुसैन सरदार अहले जन्नत। अक्ल का तकाजा यह है कि दोनों को खुश रखें। अगर ये मुनाफिकत है तो आए बनी खायब, आए अरब वजम, जान लो कि मैं तमाम मुनाफिकों में से मुनाफिक तरीन हूँ। बाबा
मैंने सुना है कि शाम लकोदक सहरा नहीं वसी सब्जा जार है। वहां के लोग ना ही सहरा की रेत से आशना है ना ही खारदार झाड़ियों से। सुलेमान के आने तक हमें यही रुकना चाहिए। अगर वो आया तो मैं खुद उसे बसरा भेजूंगी। अगर तुम ना मौलूद होते तो तुम्हें जिंदा दरगोर कर देता। तुम्हें गुस्से ने अंधा कर दिया जहाक, आखिर तुम कर क्या रहे हो? इतना मारूंगा कि इसकी चीखें सुलेमान तक जा पहुंचे। सुलेमान यह बताना चलो तेज चलो। वो बसरा की तरफ जा रहा है। हमें चकमा दे रहा है। मैं जानता था मोहब्बत अली का खासा यही है कि उन्हें उनके इमामों की तरफ पलटा देती है। मैं उसे गुमराह कर देना चाहिए। तुम दोनों उस तरफ जाओ और तुम लोग मेरे साथ आओ। तुम क्या चाहते हो? अपनी जान से ज्यादा अहम तुम्हारे पास क्या चीज है? कोई जान से ज्यादा अहम कोई चीज तुम्हारे पास थी? भागो, कोई माहिर तीरंदाज मालूम होता है। तुम कौन हो? हुसैन का फिदाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें उमर इब्ने सईद की चालबाजियों से आगाह करूं।
ये उनमें से पहला था। तुम अपने रास्ते को कबीला बनी जोफी की तरफ मोड़ लो और उनमें से किसी को बतौर रहनुमा अपने साथ ले लो। तो तुम मक्का वापस लौट जाओगे? हाँ, हरचंद के मक्के और बसरे की राहें अलग अलग हैं, लेकिन हकीकतन हम दोनों का मकसद एक है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।